श्री नारायण दत्त तिवारी देश के अग्रणी पंक्ति के नेताओं में से एक थे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में, देश में और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक व्यापक शून्य व्याप्त हो गया है। उन जैसा संवेदनशील, गंभीर, कर्मठ और एक निष्ठावान समाजसेवी, संघर्षशील और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी के रूप में हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसकी उपलब्धियों को हमेशा इतिहास स्वर्णिमय युग के रूप में देखेगा। उनको प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से, वो फिर बाद में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए, विकास पुरुष के नाम से भी लोग बहुत ज़्यादा जानते थे। मेरे परिवार का, मेरे स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य से उनका घनिष्ठ संबंध रहा। मैंने बचपन से उनको लखनऊ में देखा, और भी जगह देखा, नैनीताल में भी देखा, मेरे यहाँ इधर मथुरा निवास स्थान पर भी वो आए, और मैंने उन जैसे तो हमारा तो उनसे पारिवारिक संबंध रहा सही मायने में। आज जब विकास की कसौटियों पर विभिन्न सरकारों को हम लोग देखते हैं, तो आज तब नारायण दत्त जी तिवारी जी जिस समय एक सरकार के मुखिया थे, प्रदेश की सरकार के, और आज की सरकार के कार्यकलापों में भारी अंतर आ गया है। नैतिक मूल्यों में, सामाजिक मर्यादाओं में, राजनीतिक चरित्र में बहुत ज़बरदस्त फर्क आ गया है, और वो फर्क उस समय जो उच्चतम स्तर पर था आज निम्नतम स्तर पर है, और हमको सोचने पर मजबूर करता है कि हम उनकी बताई हुई नीतियों और सिद्धांतों को पुनः स्थापित करके देश के विकास के प्रति संकल्पित हैं।